Hello students, welcome back once again in this English class. And today in this English class, we will be dealing with the same chapter which we have started yesterday. Okay, so हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स? लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, अ क्रिसमस कैरल, जिसका हाफ पोर्शन वी हैव कंप्लीटेड बाय टुडे एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है वी विल नाउ कंप्लीटेड. ओके, सो स्टूडेंट्स, As you can see in the image, the book image you can see, and आपको ध्यान रखना है, this is the last video of the session. ये आपका English का last video है. After the chapter gets over, आपके revision यानी कि test series start हो जाएंगे. Got it? So this is the last video. I hope you will enjoy this last video of the session. So let us continue. Okay? Today in the class हमने कहाँ तक पढ़ लिया था एंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया था. टिल हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, यहाँ तक क्या होता है, जो स्क्रूज होता है वो अपने उसके ऑफिस में एक पर्सन काम करता है जिसका नाम होता है बॉब क्रैचिट. ही सेंट बॉब क्रैचिट टर्की. क्या भेजता है वो? टर्की भेजता है. टर्की मैंने आपको बता दिया गूज का मीट. ओके, तो वो अपने जो क्लर्क उसके ऑफिस में काम करता है उसको टर्की भेज देता है. एंड आफ्टर सेंडिंग टर्की टू द क्लर्क, टू द बॉय हु इज वर्किंग एट हिज ऑफिस, तो उसके बाद वेयर डिड ही वेंट? ही वेंट टू हिज नेफ्यूज हाउस. ओके, वो अपने नेफ्यू के घर जाता है और नेफ्यू का नाम क्या होता है? फ्रेड होता है. ओके, उसके घर पे जाता है एंड देयर व्हेन ही नॉक द डोर वन गर्ल ओपन द डोर, दैट मीन्स उनका फ्रेड का मेड होगी, तो सी ओपन द डोर and then they had conversation. okay, and there Scrooge asked to that girl whether your master is at home or not, and girl replied yes, he is here only. so now what Scrooge said, where is he my love? my love means यहाँ पे polite way में address किया गया है कि where is he, वो कहाँ पे है. girl replied he is in the dining room sir along with his mistress. गर्ल ने क्या जवाब दिया? मास्टर मेरे मास्टर कहाँ पे? डाइनिंग रूम पे है एंड उनके साथ उनकी मिस्ट्रेस. मिस्ट्रेस मीन्स फीमेल, मास्टर मीन्स मेल एंड मिस्ट्रेस. मास्टर का फीमेल क्या होता है? मिस्ट्रेस, यानी कि मास्टर इज हस्बैंड एंड मिस्ट्रेस इज वाइफ. वो अपने वाइफ के साथ डाइनिंग रूम पे है. आई विल शो यू अपस्टेयर्स इफ यू सो प्लीज. मैं आपको ऊपर के रास्ता दिखा दूंगा अगर आप चाहो तो. स्क्रूज से थैंक यू, ही नोज मी, आई विल गो इन हियर. उसने क्या बोला? थैंक यू माय डियर, लेकिन नो नीड ऑफ दिस, मुझे पता है, वो मुझे जानता है और मैं अपने आप चला जाऊंगा माय डियर. सो स्क्रूज ऑन एंटरिंग, स्क्रूज ऊपर जाता है, डाइनिंग में पहुंच जाता है. अब डाइनिंग रूम का सीन है और वो अपने नेफ्यू को बुलाता है फ्रेड. वो नाम लेके अपने नेफ्यू को बुलाता है. सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. Now Fred replied. Fred जवाब देता है. Why? Bless my soul. Who is that? Bless my soul का मतलब होता है surprised होना. क्या होना students? Surprised होना. तो वो surprised हो गया. Why? क्यों? कौन बुला रहा है? And who said who is that? कौन है? Now Scrooge replied. It's me, your uncle Scrooge. उसने बोला मैं हूँ your uncle Scrooge. I have come to dinner. मैं यहाँ dinner करने के लिए, तुम लोगों के साथ dinner करने के लिए आया हूँ. Will you let me in Fred? क्या मुझे अंदर आने की परमिशन है? क्या मुझे अंदर आने दोगे? क्या तुम्हारे साथ मैं डिनर कर सकता हूँ? स्क्रूज, अंकल स्क्रूज आस्क्स टू हिज नेफ्यू फ्रेड. फ्रेड रिप्लाइड ऑफ कोर्स, व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज. उसने बोला ऑफ कोर्स डेफिनेटली यू कैन कम, व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज अंकल. वो सरप्राइज हो जाता है और अपने अंकल को एंटर करने की परमिशन देता है. स्क्रूज एंजॉयड हिमसेल्फ दैट इवनिंग. उस इवनिंग को अपने नेफ्यू के घर पे वो बहुत एंजॉय करता है. बट वाज इन ऑफिस अर्ली द नेक्स्ट डे. लेकिन अगले ही दिन वो अपने ऑफिस में सुबह सुबह पहुंच जाता है टू कैच बॉब क्रैचिट कमिंग इन लेट. अब वहां पे क्या होता है, उसका जो क्लर्क उसके ऑफिस में काम करता है वो लेट आता है और वो उसको पकड़ लेता है कि वो लेट आ रहा है. स्क्रूज, हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग इन हियर एट दिस टाइम ऑफ द डे. अब यहाँ पे कौन कौन है? अब यहाँ पे स्क्रूज है और उसमें उसके ऑफिस में काम करने वाला पर्सन बॉब क्रैचिट. अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगी, ठीक है. अब स्क्रूज बॉब क्रैचिट से बोलता है दैट व्हाई आर यू कमिंग सो लेट. अब इस टाइम ऑफिस में आने का क्या मतलब है?
ओके सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. नाउ बॉब रिप्लाइड समथिंग. बॉब रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम बिहाइंड माई टाइम. आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए. आई एम बिहाइंड माई टाइम का मतलब लेट, मैं लेट हो गया हूँ. आई एम रियली वेरी सॉरी. स्क्रूज रिप्लाइड, यू आर, यस आई थिंक यू आर, यस ऑब्वियसली तुम लेट हो, यस. स्टेप दिस वे, स्टेप दिस वे का मतलब कम दिस साइड, इधर आ जाओ. कम दिस साइड. सर इफ यू प्लीज, अब स्क्रूज ने उसको सर करके बुलाया कि सर प्लीज आप इधर आ सकते हैं. कम दिस साइड. अब बॉब थोड़ा सा डर गया. उसने क्या बोला, इट्स ओनली वंस अ ईयर सर, इट शैल नॉट बी रिपीटेड. उसने बोला सर साल में सिर्फ एक ही बार होता है ऐसा कि मैं लेट आता हूँ, एंड प्लीज ये दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूंगा. आई वॉज मेकिंग रैदर मैरी यस्टरडे सर. मेकिंग रैदर मैरी का मतलब होता है स्टूडेंट सेलिब्रेट करना. सिंस हम क्या बात है, क्रिसमस ईव, क्रिसमस का समय चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिब्रेटिंग, celebrating. आई वॉज सेलिब्रेटिंग यस्टरडे, मैं कल सेलिब्रेट कर रहा था. मेरी मतलब हैप्पी, खुशी, सेलिब्रेट कर रहा था, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा था, इसीलिए इन दैट सिचुएशन आज मैं लेट हो गया हूँ. इट शैल नॉट बी रिपीटेड, ये दोबारा से रिपीट नहीं होगा. आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम. स्क्रूज, नाउ आई विल टेल यू व्हाट माई फ्रेंड, अब मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे दोस्त. आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग एनी लॉन्गर. अब मैं ये चीजें, ये बातें मैं और मैं यहाँ पे स्टैंड नहीं करना चाहता, और जो बातें हैं मैं अभी यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है. अब व्हाट ही वांटेड टू से, एंड देयर फोर आई एम अबाउट टू रेज योर सैलरी. उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारी सैलरी को बढ़ाना चाहता हूँ. अब यहाँ, अब उस सिचुएशन में जब मैं पहले इस तरीके का इंसान हुआ करता था तो आई वॉज नॉट लुकिंग आफ्टर यू, ओके. लेकिन अब मैं उस टाइम को चेंज करना चाहता हूँ, एंड मैं उस वर्ड पे स्टिक नहीं होना चाहता हूँ. नाउ आई वॉन्ट टू रेज योर सैलरी. अब बॉब सुन के बहुत शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्क्रूज ऐसा इंसान होता है, ऐसा पर्सन होता है जिसको पैसे स्पेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, वो एक लोभी किस्म का इंसान होता है. बट व्हेन ही सेड आई एम इंक्रीजिंग योर सैलरी, बॉब वाज शॉक्ड. सर स्क्रूज सेड अ मैरी क्रिसमस बॉब. मैरी मतलब आपको पता है ना स्टूडेंट्स, हैप्पी, ओके. मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस बॉब, और मेरियर क्रिसमस, क्रिसमस और भी ज्यादा खुशियां तुम्हारी लाइफ में लेके आए. बॉब माय गुड फेलो, फेलो मतलब फ्रेंड. बॉब मेरे प्यारे दोस्त, FRIE, एंड मेरे प्यारे दोस्त. देन आई हैव गिवन यू फॉर मेनी अ ईयर. मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मुझे अपना सर्विस, उसके ऑफिस में वो बहुत टाइम से काम कर रहा होता था, बोल रहा है कि दैट यू हैव गिवन मी मेनी अ ईयर, और हम दोनों ने बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया है. आई विल रेज योर सैलरी, मैं तुम्हारी सैलरी को इंक्रीज बढ़ा रहा हूँ. एंड इंडिव्यूर, इंडिव्यूर का मतलब होता है ट्राई करना, और मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा टू असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प करना. मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हारी मैं मदद कर सकूँ, सो दैट योर स्ट्रगलिंग फैमिली, मैं तुम्हारी किस चीज में मदद कर सकूँ, जो तुम्हारी फैमिली स्ट्रगल कर रही है उसमें कुछ मदद कर सकूँ. एंड वी विल डिस्कस योर अफेयर्स दिस आफ्टरनून, और तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसके बारे में हम आफ्टरनून में, आज आफ्टरनून में डिस्कस करेंगे. डोंट वरी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. जो भी तुम्हारे लाइफ में, फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है, फाइनेंशियली जो भी है, मैं तुम्हारी मदद करने की जरूर कोशिश करूंगा, और इसके लिए फर्स्ट स्टेप है मैं तुम्हारे सैलरी इंक्रीज कर रहा हूँ. Scrooge was a reformed man after this. He was generous, loving and kind. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि Scrooge थोड़ा सा चेंज लग रहा था. उसने क्या किया था, टर्की भी भेजा था बॉब क्रैचिट को, जैसे कि वो पहले कितना लोभी किस्म का इंसान था. बट ही हैड स्टार्टेड चेंजिंग हिमसेल्फ, एंड अब वो पूरा अपने आप को, उसने अपने आप को चेंज कर लिया है. उसने अपनी क्लर्क की, यानी कि बॉब क्रैचिट की सैलरी भी बढ़ा दी है, और उसने ये भी बोला है कि वो उसकी फैमिली अफेयर्स के लिए हेल्प करने की कोशिश भी करे जितना हो सके, ही विल हेल्प आउट. अब वो पूरा चेंज इंसान हो गया है. अब वो जेनरस हो गया, जेनरस हो गया मतलब किसी को कुछ भी चीजें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देना, यानी कि इन फाइनेंशियल टर्म्स, यानी कि पैसों में मदद करना दूसरों की हद से ज्यादा मदद करना, that is generous, loving यानी कि प्यारा होना, and kind मतलब helpful nature, वो बहुत ही उसने अपने आप को helpful nature में convert कर लिया. पहले वो जैसा Scrooge हुआ करता था, अब इस Christmas Eve के बाद वो totally क्या हो गया, changed हो गया, उसने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया. सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो. क्रिसमस कैरल, ये एक क्रिश्चियन थीम के ऊपर बेस्ड था, कैसे एक स्क्रूज नाम का
पर्सन था, हाउ ही चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ दिस क्रिसमस टाइम. उसने क्रिसमस टाइम के पीरियड के अंदर उसने किस तरीके से चेंजेस लाए अपने आप को, और वो बहुत ही एक जेनरस, लविंग और काइंड इंसान बन गया. सो आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड आवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड एंड दिस वॉज द लास्ट वीडियो ऑफ द सेशन. ओके, सो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स. अब आपको मेरी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है. सो नाउ अनवर्ड्स, अब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे. सो हैव अ गुड टाइम.